Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir la'in arrajim bismillahir rahmanir rahim litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مار گئے کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق
न हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरात। और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इकबाल मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क से बगैर नहीं। कहता है नहीं, मैंने कहा कैसे? बाल कहता है मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। कैसे इश्क से साहिब फरोग? हजरत बर्रा बिन मालिक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत उमर ने जिनके बारे में फरमाया था भाई इसको किसी भी लश्कर का सिपा सालार नहीं बुलाना। उन्होंने कहा जी क्यों? फरमाया ये वहां तक ले जाएगा जहां तक जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ये पूरे लश्कर को वहां तक ले जाएगा। इकबाल कैसे फिर मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग? फिर जहां सारे लश्कर एक मकाम पे आके रुक गया फिर मर्द खुदा का अमल आया। हजरत बर्रा बिन मालिक जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही और शहादतें हो रही और एक किला आ गया जिस किले में जाकर मुसैलमा और उसके साथी बंद हो गए। 40,000 का लश्कर उस किला में मुहासरा बंद हो गए, अंदर किला बंद हो गए। तो जब सारे बाहर करीब जाएं दरवाजे के ऊपर से वो जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से लकड़ियां अंगारे फेंके, तीर और नेजे फेंके। फिर आया मर्द खुदा का अमल, फिर आया मर्द खुदा का अमल। कैसे आया फिर? जब मर्द खुदा का अमल आया ना हजरत बर्रा बिन मालिक, जब सब ने कोशिशें कर ली हजरत बर्रा बिन मालिक आए, फरमाने लगे हुण मेरी लोड़ है, हुण मेरी लोड़ है। साहबा ने कहा जी दसो की करोगे? फरमाया ढाल उत्ते मैनू रखो। आप बड़े छिटके जे बदन दे सन, बिल्कुल दुबले पतले। आपने फरमाया मैनू ढाल उत्ते रखो। जब साहबा ने ढाल उत्ते रखा आपने फरमाया मैनू उछाड़ के किले के अंदर सुट दो। 40,000 का लश्कर अंदर, मर्द खुदा का अमल आ गया। 40,000 का लश्कर अंदर सिर्फ एंग तलवारां सिद्धियां करन ते हजरत बर्रा बिन मालिक दी बोटी बोटी हो जाए, लेकिन हुन इश्क नाल आ गया। जिसके बारे इकबाल कहता बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, ऐ हुन बेखतर है। खाली ओही नहीं एक कयामत तक कूदते रहेंगे। मैं हवेलिया के मकाम ते सारे नु पकड़ पकड़ के गोलियां चला के छड्डो जनाब आज जान देर दा मौका आया, पिछड़ जाओ पिछड़ जाओ। और मैं क्या अल्लाह दे बंदे गोलियां चला है जो सैया एम बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद महेश महेश। हजरत बर्रा बिन मालिक ने क्या कि मेनू ढाल उते चुके 40,000 दे लश्कर विच सुट दियो अंदर किले दे विच। साहबा ने ढाल उते रखिया ते एम चुके जद अंदर सुटिया ना ते हजरत बर्रा बिन मालिक 40,000 दे नाल लड़दे होया दरवाजा खोल दिता। इकबाल कहंदा मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। हुण मर्द खुदा दा अमल सुनो, ए नहीं कि जनाब चार बेगाने वेख के मौकफ ही बदल लिया। नहीं जी हम तो लबैक वाले नहीं है। मैं कहा सुन मर्द खुदा कौन होंदा? बाबा जी नु जदों कोई भी ये तहरीक नहीं बनी बाबा जी नु पकड़ के कोतवाली लै गए ना जदों ते जनाब उत्थे दा एसपी ते डीएसपी सारे आ गए जो कहन लगे मौली साहब हमने आपकी तकरीरें सुनी है, आप बड़ी सख्त बातें करनी है। आपने फरमाया झल्लिया तू वो वीडियो या ऑडियो सुनी होनी है, अरे इधर आ मैं तेरे लाइव सुनावा, लाइव सामने बैठ के सुन। ऐसनु कहने मर्द खुदा का अमल सामने बैठ के। फिर आप तो इमामुल आशिकीन हैं ना, फिर अमीरुल मुजाहिदीन तक पहुंचा, फिर अमीरुल मुजाहिदीन तो आप दे कारकुना तक पहुंच रहा। फिर एक वो मर्द भी सी कि जदो सारियां गिरफ्तारियां हुई जनाब 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 उस जदो थाने पकड़ के लै गया फिर वो तो जेल चला गया। ते सारे आपस बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब जनाब मैं रिहा होके आ जावांगा, मैं रिहा होके उठे जावांगा, मैं वालदा नू जाके मिलांगा, मैं वालदैन नू मिलांगा, मैं भाइयों नू मिलांगा, मेरे एक कम ने कारोबार एक करने। एक चुप करके बैठा सी उन्होंने पूछा भाई तू रिहा होके की करेगा? कहंदा मैं रिहा होके पहले सीधा थाने जावांगा, उठे मेरा झंडा पिया, मैं रिहा होके जाना मर्द खुदा का झंडा रखांगा मोड़े ते, फिर बाबा
नहीं हटे जड़ी गल दस के गए उठो के कदम बता के टुर रहा पोस्टमार्टम करवाना ताके जनाब एफआईआर दर्ज करवाई जा सके ते ओ फरमान लगिया के अगर तहरीक नु फायदा होंदा ता मेरे बेटे दा कीमा भी कर दो मैं इस वास्ते हाजिर हां। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग इश्क है असले हयात। उन्होंने पता सी मेरा बेटा असले हयात पा गया उससे हुन मौत हराम है। इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम और तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। बड़े बड़े जनाब फितने और फसाद और जनाब उन्होंने दौरान तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीरे जुनूद। इकबाल कहंदा इश्क अमीरे जुनूद। इकबाल कहंदा लश्कर दा अमीर भी इश्क है। अफगानिस्तान तो कुछ दोस्त आए उन्होंने दसिया उन्होंने कहा जनाब एक मकाम ऐसा आया कि असि तीन साथी रह गए और सानू बारों जनाब नेटो और अमरीकी अफवाज ने घेर लिया साढ़े कौसला भी खत्म हो गया क्रॉस फायरिंग और जनाब जो भी लड़ाई का सामान बिल्कुल हथियार खत्म हो गया। कहने लगा मैं कहने लगा उन्होंने एक मैं भी हाँ मैं फिर किसी जिंदा किस तरह बचे। कहने लगा जो सारा कुछ खत्म हो गया ना तो कहने लगा ऐसा क्या हूँ जिंदा रहने का कोई जनाब वसीला बचा नहीं। कहता असि नारा तकबीर उच्चा उच्चा लाना शुरू कर देता। कहता थोड़ी देर बाद उधरों भी फायरिंग की आवाज बंद हो गई जब असि बाहर जाके देखा तो सात आठ फौजी खून दिया उल्टियां कर करके मर रहे। असि पूछा की होया बाकी किधर गए उन्होंने कहा जब तुम तकबीर बंद बुलंद की थी इन्होंने दिल फट गए इस वास्ते नारा उच्चा लगवाई था कि जब सारे हथियार नाकाम हो जाएंगे उदो एक हथियार गुस्ताखी ना करते लेकिन याद रखना जिते हथियार नाकाम हो जाते उसना भी वड्डा हथियार साढ़े हाथों में उसनु लबैक दा नारा आख दे दुनिया तो भी चले गए असि बड़ी कोशिश की समेटन की जी फिर की है उन्हें कहा जी सारा कुछ असि काबू कर लें हर हरबा हर चीज काबू कर लें कहा फिर होता की है उन्हें कहा जो लबैक का नारा लगता ना फिर कोई आसमान तो उतरता जरा सानू लपेट के रख लेता। लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक।
सारी कायनात दिया ताकतां तुहाडे पैरां च ना आ गईआं तां सानूं पकड़ लैणा ओए तां तारीख गवाए इन्हां ने की इन्हां नूं की पता होवे तारीख जनाब नचण टप्पण वालेआं नूं और जनाब उन्हां नूं की पता होवे जिन्हां दे जनाब सजदे और जबीना अमरीका यूरोप और चाइना दे अगे रशिया दे अगे झुकदियां होण उन्हां नूं ला इलाहा इल्लल्लाह दी कुव्वत दा की पता होवे उन्हां नूं हुजूर दी मोहब्बत दा की पता होवे इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तान ओ अमीर अज़ला इला और हैबत मर्दे फकीर अज़ला इला ला इला इल्लल्लाह दी ताकत जनाब अंग्रेज मुसन्निफ़ उसने पूरी किताब के अंदर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी दी किरदार कुशी की थी लेकिन आखिर ते आके कहण ते मजबूर हो गया उन्हें क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी कदी भी साडे ते तादाद विच वध नहीं होया कदी भी साडे ते गिनती दे वध नहीं होया कदी भी साडे ते असबाब और असले ते वध नहीं होया ओ कहंदा अस करीब सी के सलाहुद्दीन अय्यूबी दी सफा इतनीयां फट जांदियां सन के आर पार नजर आना शुरू हो जांदा सी लेकिन जदों नारा तकबीर लगदा सी उहनां दे कीते होए शहीद और जख्मी भी उठ के लड़ना शुरू कर दिंदे सन फकर के है ताजो शरीर ओ सिपा फकर है मीरो का मीर फकर है शाहों का शाह और फकर की शान पे चढ़ती है तेगे खुदी फकर की शान पे जब चढ़ती है तेरे खुदी एक सिपाही की जर्ब जर्ब करती है कारे सिपा हाँ ओदे पूरे एटम और जनाब जदीद शदीद टेक्नोलॉजीयां सारियां बाबा जी ने सिर्फ जीडी रोड ते जाने क्या सी कि तू छाप छाप नाम के उस्ताखाना खाके ते असी भी आ रहे हैं इस्लामाबाद एन जनाब जनाब हर शह इंजन कमण लग पई सी ऐ याद रखना पूरे आलम में कुफर नू साड़ी तुहाड़ी जंग हुजूर दे नां ते वे अगर तुसी हुजूर दे बारे गल करोगे फिर साडे दुध पीते बच्चे भी तुहानू नहीं छड़नगे तुसी लाओ जोर जितना ला सकदे हो मुजाहिद जिसने सलमान रुश्दी के ऊपर हमला किया अगर तारीख उठाई जाए तो उदो तो वो पैदा भी नहीं सी होया साड़ियां मावां उन्होंने वैर सिखा रही हैं कि तुहाडी दुश्मनी किना दे नाल है हां सानू लोरी सदके या रसूल अल्लाह दिए ए भूल जाना असी सारे भी मारे गए सारा कुछ भी खत्म हो गया लेकिन तुहानू भी छड़ांगे नहीं अगर तुसी साडे आका ओ मौला दे बारे गल कीती किसे दी होएगी कोई रेड लाइन किसे दा होएगा कोई जनाब रेड जोन साडे वास्ते रेड जोन कायनात विच एक कोई है ओ साडे आका ओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है बस 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 आर 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 इकबाल कहंदा दिल अगर इस आग में जिंदा हो बेदार एक बंदे का दिल अल्लाह ताला ने वो रखा और अमीरुल मुजाहिदीन को समझने के लिए अभी भी सदियां चाहिए खुदा की कसम सदियां चाहिए जब डी चौक में मैंने दरवाजा खोलकर आकर कहा ना मैंने कहा जनाब हमला हो गया है चले तो फरमाया मरना हुजूर दे नाते मैं कहा जी मरना लेकिन तोड़े नाल मरना मरना और इंशाल्लाह बाबा जी तोड़े नाल ही जिस मिशन से तुम छड़ के गए उससे मिशन से हुजूर दे नाते मरना इंशाल्लाह और
امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں ایک چھوٹی جی گل کر دیاں اے افادات خادمی ہن چھاپی انہاں نے اے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے ہیں او بابا جی دی لائبریری وچ کتب ہیں ہی نہیں 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری وچ ہیں ہی نہیں او کتاباں پاکستان وچ بھی نہیں ہیں او کتاباں پاکستان وچ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا اوہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کتاباں دے واسطے اندے کی کام ہے جدوں کرنٹ جے ڈریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدوں ادھروں حکم ہوندا رہیا بابا جی دستے رہن او کتاباں پاکستان وچ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا او انٹرنیشنل لائبریریاں تو کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000 تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں کوئی محمود غزنوی ہیں کوئی اورنگزیب عالمگیر ہیں کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول قاسم عشق رسول پاسبان نام اس عزت رسول اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چونو چند عقل محکم از اساس چونو چند عشق اوریاں از لباس چونو چند اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کہتا ہے عشق اوریاں از لباس چونو چند اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں بڑے بد نصیب
नसीब जो करार तक ना पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। दिले यार ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, इस्लाम का परचम बुलंद हो, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात बड़ी दलेरी के साथ हर मकाम पर की जाए। और मैं ये कहता हूँ कि लब्बैक का रास्ता रोकने में जितनी तुमने जोर लगाया है ना, काश इतना जोर कहीं कश्मीर आजाद करने के लिए लगा लिया होता, बल्कि इससे 10% भी जोर अगर तुमने कश्मीर आजाद करवाने के लिए लगाया होता तो आज कश्मीर हिंदुओं के तसल्लुत में ना होता। लेकिन ये याद रखना, जो तुहाडे कोल होंदा हो कर लो, कर लो, कर लो, जो तुहाडे को बन पांदा हो कर लो, अपने मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाओ, बाहरों भी बुला लो, लब्बैक दा नारा तुहाडे प्यो को भी नहीं ढकया जाना। इंतजामिया को चले गया कि इन्हां नूं रोको, उन्होंने कहा जी क्यों रोकिए, उन्होंने कहा जी ये जिहड़ा नारा लांदे हुए आ रहे ना, सानू लगता कि इस नारे नाल साडे मंदिर गिर जाने। बाबा कुफर है समझदा के जाहिरी तौर पे इना कोल कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो इस नारे नु दबाण वास्ते अपना पूरा जोर लाएगा, और इस नारे नु दबाण वास्ते वो हर जगह अपने लिए अंदरों मुनाफिक तैयार करेगा कि जी ये नारा कहाँ लगा हुआ है, ये नारा लगाना जरूरी है। मैं कहा जनाब दसो फिर केड़ा नारा लाना जरूरी, तुहाडा नारा लाना जरूरी, तुहाडे प्यो दा नारा लाना जरूरी, किसका नारा लाना जरूरी? नारा सिर्फ हुजूर दा लगेगा और कयामत तक हुजूर दा ही नारा लगेगा। और मुसलमान जदों भी किते भी मकाम दे उत्ते बुलंदी पान के ते ओ इसे नारे दे नाल पांगे, और इस नारे ने आके मुनाफिक और मुसलमान की पहचान करा दी। भाई मौला कायनात गुलाम होवे और कवे मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, इस नारे दी मुखालफत करे मुमकिन नहीं, ए हो नहीं सकदा। हां जी सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, ए अली ऐ मेरा लिखा होया नाम हो या अली, अली ऐ मेरा लिखा होया नाम मिटा दो। ते मौला अली फरमान लाम हु का बदा, या रसूल अल्लाह अली होवे ते तुहाडा नाम मिटा दे कयामत तक इस तरह हो नहीं सकदा। अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे ए हो नहीं सकदा। फिर उस विच कोई खून रल गाटे ओ कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि ओ कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, और जनाब ओ आके मेनू लब्बैक दे नारे नाल डेढ़ इंच पीड़ होंदी, इस तरह नहीं हो सकदा। कयामत तक जिथे भी हुजूर दा नाम आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कदी जनाब इख्तलाफ नहीं करेगा, बल्कि कहेगा इस नारे नूं तां होर दब के लाओ, इस नारे नूं तां जनाब शामी भी लाओ, सुबह भी लाओ, सहर भी लाओ, इफ्तार भी लाओ, फजर भी लाओ, जोर भी लाओ, असर भी लाओ, रिशा भी लाओ, मगरिब भी लाओ, क्योंकि इससे नारे ने तो सानू हुजूर दे दीन नूं तख्त उत्ते देखना नसीब करना। और इंशाल्लाह
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਐ ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ मैं 9 पुत्रा दी बावा बाकी 8 इकट्ठे चाहिए या कल्ला कल्ला करके वो भी ले जाओ अल्लाह दे बंदे हो तुसी किना नाम मथा लाया तानू पता ही नहीं ये जबरो कहर नहीं ये जबरो कहर नहीं ये जबरो कहर नहीं हाँ ये जबरो कहर नहीं और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है को भंग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा मीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह ना भी और जबान नाल भी जाम पिलाए होए नशा नहीं उतरना ये नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना अगर ये नशा उतर गया होता तो फिर रौनक इस तरह होनी गल अगे ना वधी या घटी और इंशाल्लाह मजीद वधेगी हाँ इंशाल्लाह मजीद वधेगी और एक गल ना घटन वाली ना किसी दे वास च घटाना एक मुमकिन ही नहीं इन्हां दे जोर च ही नहीं बस तुसी दलेर हो जाओ तुसी तगड़े हो जाओ तुसी दाएं बाएं दी गल्लां सुननियां छड्डो ऐप बंद कर दियो एंजॉय होएगा ओए मेरी गल सुनो हुजूर दा ना ना मीडिया दा मोहताज है ना सोशल मीडिया दा मोहताज है ना तहरीक दा मोहताज है ना मेरा मोहताज है ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब और जनाब किसी सरदार वडेरे किसी हुक्मरान वजीर आजम पीएम और इन्हां दा बस हुंदा तां इन्हां दा बस नहीं चलदा ए तां कह देन असीं मुसलमान भी नहीं ए तां जनाब वजा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ए वक्त दा जलील आजम ए वजीर आजम तां नहीं है जलील आजम है ए वक्त दा ए जनाब जर्मनी ज़बान बोले ते पूरी मीडिया खड़ा होके पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी ज़बान आती है मैंने कहा अच्छा आती है आगे चलो जब अक़वामे मुत्तहिदा में तुम खड़े थे तुम्हें देखकर कुरान नहीं पढ़ना आया डूब कर नहीं मरते वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता और तुम्हें जर्मनी ज़बान पर फ़ख्र है तुम्हें होगा उनके ऊपर फ़ख्र हमें इस बात के ऊपर कोई फ़ख्र नहीं हमारे लिए फ़ख्र एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है बस हमारे लिए फ़ख्र की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामोस की बात आती है हम अपनी जाने अपना माल अपने बच्चे अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर कोई दावा नहीं ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत ना करेंगे और आखिरी बात ये याद रखना खुदा ना खास्ता हो सकता है कि मैं भी रस्ते से हट जाऊं हो सकता है खुदा ना खास्ता कहीं मुंह में खाक कहीं आगे पीछे हो जाऊं तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए बस कोई भी हो मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए वो और वो सामने 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 मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए और आह को निस्बत है कुछ शाख से आह निकली और पहचाने गए और एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे 3 मर्तबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ